मॉर्निंग, कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। और ये वीडियो है जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे का। और अभी मैं जस्ट नहा करके आई हूँ, काम कर रही हूँ। और आज मैंने वियर किए साड़ी, बिकॉज काफ़ी दिनों से मेरा साड़ी का व्लॉग नहीं गया है। और बस मायके, ससुराल, ट्रैवलिंग, यही सारे व्लॉग्स आ रहे थे। तो मेरा थोड़ा सा जो रूटीन जैसे व्लॉग्स आते हैं वैसे नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे साड़ी वाले व्लॉग नहीं अपलोड हुए हैं, तो आज फाइनली मैं साड़ी में वीडियो शूट करूं। तो बस सुबह सुबह नहा धो करके साड़ी वेयर कर ली है। और अभी टाइम हो रहा है 7, और आज मौसम बहुत अच्छा है। जन्माष्टमी वाले दिन भी बहुत बारिश हुई है रात में, और अभी मॉर्निंग में भी हो रही थी, और अभी भी बादल वैसे ही हैं जैसे बारिश होगी और होगी थोड़े देर में, क्योंकि मौसम है बारिश वाला। और जन्माष्टमी में तो अक्सर बारिश होती है, खासकर मथुरा में तो होनी ही थी। तो बस बाहर थोड़ा मौसम का नज़ारा, जिम नज़ारा वगैरह सब देख करके आ गई हूँ। हवा ले लिए, टहल लिया है, सारे काम जो बालकनी के थे वो हो गए। कपड़े वगैरह तो वॉश नहीं कर रही अभी, क्योंकि जब थोड़ा मौसम खुलेगा ना तब मैं वॉश कर दूंगी, वरना वो गीले पड़े रहेंगे, स्मेल और आ जाती है गीले कपड़ों में। तो अभी तो मैं मंदिर में आ गई हूँ, यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं। कल पूजा हुई तो बहुत सारे फूल वगैरह हो गए हैं यहाँ पे, तो वो सूख गए हैं, तो वो फूल हटा दिया है, मंदिर मैंने साफ कर दिया है। और अब चलिए दिया कर देते हैं, आरती कर लेते हैं, और पूजा पाठ करने के बाद फिर जो किचन में हमारी एंट्री होगी, फिर जब किचन में एंट्री होगी तो फिर रात तक के सुबह के खाना, दोपहर का खाना, फिर नाश्ता, फिर यही सब अपना चलता रहेगा। पहले पूजा कर लेते हैं और फिर बाद में अपनी पेट पूजा करेंगे। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में, दूध रखा हुआ है, बॉईल कर दिया था मैंने पहले ही, जब आया था उसी समय रख दिया था, क्योंकि हो सकता है कि ख़राब हो जाए, फट जाए, इसलिए मैंने जब जिस टाइम आता है उसी टाइम दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। तो पूजा करने के बाद अब मुझे चाहिए चाय, क्योंकि मैंने नहा के चाय वगैरह भी नहीं पी है। पहले मैं पूजा करती हूँ और उसके बाद ही चाय वगैरह या कुछ भी खाती पीती हूँ, मतलब पूजा करने के बाद ही। तो बस चाय मेरी चढ़ गई है, और मैं अभी आई हूँ ना 6-7 दिन बाद, तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है सामान। काफ़ी सारे डिब्बे देखे तब जाके मुझे चाय पत्ती का डिब्बा मिला, बड़ी मुश्किल से बहुत, मतलब सारे डिब्बे मैंने देख डाले तब जाके मुझे चाय पत्ती का डिब्बा मिला है, नीचे रखा होता। और एक्चुअली इसमें चाय पत्ती जो है वो ख़त्म हो रही है, थोड़ी सी नीचे बची थी ना, तो इसलिए दिख नहीं रही थी। तो मुझे अभी इसमें चाय पत्ती भी भरनी है और चीनी भी इसमें भरनी है, तो चाय पत्ती चीनी मैंने डाल दिया है पानी में। अब इसमें ऐड कर देते हैं मिल्क, और अपना जो मॉर्निंग का टी है उसे पीते हैं, और चाय के बाद ही अपना जो भी काम होगा आज होगा। वैसे तो आज संडे है, खाना पीना की कोई जल्दी नहीं है, बच्चों के स्कूल भेजने की कोई जल्दी नहीं है, तो बस आराम से काम होंगे। आराम से पहले मैं अपनी चाय तो पी लूँ, उसके बाद काम होंगे सारे मेरे। चाय जब तक मेरी पक रही है तब तक मैं निकाल ले रही हूँ। मैं लेकर के आई थी इलाहाबाद से मठरियाँ, काफ़ी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं चाय के साथ। तो मैं अभी ब्रेड नहीं है एक्चुअली, ब्रेड मैंने इनको बोला हुआ है लाने के लिए, वरना मैं ब्रेड फ्राई कर देती, लेकिन मठरियाँ भी काफ़ी दिनों से थी नहीं घर पर, अभी हम लोग जब घर गए तो वहाँ से बनी हुई थी, आयन और यशी की दादी ने बनाई थी, तो बस उन्होंने दी हैं। तो अभी चाय के साथ तो यही का नाश्ता होगा, बिस्किट का और मठरी का, और ब्रेड जब आएगी तब उन्हें सेकेंगे यशी को, क्योंकि चाहिए होती है ब्रेड चाय के साथ। और चाय तो मेरी हो गई है रेडी, तो बस जा रही हूँ चाय पीने के लिए, और आप सभी भी आ जाइए। अभी मॉर्निंग का ही टाइम है तो यहाँ पे ठंडा है, तो मैं यहीं पे ही अपनी चाय पी रही हूँ, और आयना की चाय रखी हुई है, वो भी आके वो भी पिएगी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, आटा लगा रही हूँ, खाने की कर रही हूँ तैयारी। फटाफट आटा लगा लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं रोटी। सब्जी मैंने बना ली है पहले ही, पाँच छः दिन तो मैंने मैंने घर के कोई काम ही नहीं किए। जब मैं अभी इलाहाबाद गई थी मैंने कोई भी काम नहीं किए, थोड़े बहुत किए होंगे, मतलब ऐसे रेगुलर जो पूरा मॉर्निंग से लेकर के नाइट का रूटीन होता है कि फिक्स होता है कितने टाइम पे क्या करना है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो सारी चीज़ें एकदम बेकार हो जाती हैं।
रूटीन से अलग हो जाता है ना। लेकिन अभी इलाहाबाद गए थे तो मैंने फुल ऑन रेस्ट किया है 5-6 दिन, कहीं पे ना खाना बनाना ना घर की साफ सफाई कुछ नहीं किया, तो मेरा रेस्ट भी हो गया है और अब मैं लग गई हूँ अपने रूटीन के वर्क में जो मेरा यहाँ पे चलता है। तो यही मेरा रूटीन रहता है रोज़ का, वही सुबह का काम वही शाम का काम, तो सबके घर में ऐसे ही रहता है। सबके घर में कोई ज़रूरी नहीं कि डेली ही कुछ नया हो। हेलो लेडीज, चलिए कुछ पर्सनल बातें कर लेते हैं आप सभी के साथ। ब्लॉग तो आप देखते रहते हैं लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लॉग में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स या कोई जानकारी दे सकूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। एक्चुअली अभी तो सीजन गर्मियों का चल रहा है, लेकिन सीजन कोई भी हो स्वेटिंग तो नॉर्मल है। स्वेटिंग चाहे आपकी बॉडी में हो चाहे जेनिटल्स में, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं। अपनी बॉडी को तो हम हमेशा पैम्पर करते ही रहते हैं, अगर बात हमारे इंटीमेट एरिया की आती है तो हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर जाते हैं। और कुछ लेडीज ऐसी होंगी जिन्हें नहीं मालूम होगा कि हमारी बॉडी में आने वाला जो स्वेट होता है वो हमारे बॉडी का अलग होता है, जेनिटल एरिया का जो स्वेट होता है वो डिफरेंट होता है। एपोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेट प्रोडक्शन के लिए। महिलाओं में एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड होता है जेनिटल्स, जिससे प्रोटीन रिलीज होता है और बैक्टीरिया उस प्रोटीन को तोड़ते हैं जिससे स्मेल बहुत बेकार आती है। एंड एक्सेसिव स्वेट कई बार इचिंग, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन सच एज ईस्ट इन्फेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। स्वेटिंग से होने वाला बैक्टीरिया प्यूबिक हेयर पे ही इंक्रीज होता है जो आगे चल के इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम को इन्वाइट करता है। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी इंटीमेट हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। आप अपने इंटीमेट एरिया को एवरडीन के नेचुरल इंटीमेट वॉश से वॉश कर सकते हैं। सेंटेड सोप को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अपने इंटीमेट एरिया को ड्राई रखना चाहिए। प्रॉपर वेजाइनल हाइजीन इम्पॉर्टेंट है वेजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए। जैसे हमें पता है वेजाइना की जो सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन हमें वुल्वा को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया वुल्वा से ही वेजाइनल में एंट्री करता है। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ है, एवरडीन के नेचुरल इंटीमेट वॉश को आप यूज कर सकते हैं। इसमें नीम है जो बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करेगा। इसमें है नीम जो आपको वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करेगा। उससे होने वाली बर्निंग, इचिंग, टी ट्री ऑयल एक पावरफुल शील्ड प्रोवाइड कराता है जो हमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। साथ में इसमें एलोवेरा भी है जो हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, वो हमारी स्किन को स्मूथ करता है। और आप एवरडीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं। ये आपको कई तरह की प्रॉब्लम जैसे इन्फेक्शन, इचिंग, बर्निंग, इन सबसे, इन सारी प्रॉब्लम से प्रिवेंट करता है। तो अगर आप भी ये प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर एवरडीन की वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यशी बेटा, आप ये सब क्या कर दिए रूम का हाल, ऐसे क्यों करते बाबू? देखो यहाँ पे टेंट हाउस वगैरह सब चीज रख दिया, अब कौन साफ करेगा बताओ। किचन से मैं फ्री हो गई हूँ और तब तक आयना और यशी ने रूम का ऐसा हाल करके रखा है। मैंने उनको कहा था कि स्टडी कर लो बैठ करके, बट ये कह रही थी कि नहीं हम थोड़ा सा खेलेंगे उसके बाद हम स्टडी करेंगे। मैंने कहा बेडरूम में मत खेलो, अपने रूम में खेल लो भाई, इतना बड़ा घर है तो सिर्फ एक ही रूम क्यों यूज़ होता है पूरे घर का, और भी चीज़ें यूज़ करो, और भी रूम हॉल कुछ तो यूज़ करो। बट इनका क्या है, कहेंगी गर्मी लगती है, और जबकि मौसम अभी ठीक है क्योंकि डेली इधर 15 से 20 दिन हो गए हैं, डेली थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो मौसम उतना गर्म नहीं रह गया है, हो गया है ठंडा। बट इन लोग को अब आदत पड़ गई है ना सारा दिन एसी चला के रहने की और एसी में रहने की, तो इन लोग को वैसे नॉर्मल फैन में रहा नहीं जा रहा है, बस बात ये है। बाकी तो ठंडी ठंडा है मौसम, कोई ऐसा बहुत गर्म नहीं है। और इनका तो टेंट हाउस में खैर बाहर रख के आ गई हूँ, काफ़ी देर हो गई, इन लोगों ने खूब अच्छे से खेल लिया है। अब मैं रूम कर देती हूँ क्लीन, बेडशीट वगैरह तो उस दिन ही मैंने चेंज किया जिस दिन मैं यहाँ पे आई हूँ, काफ़ी गंदी सी हो गई थी बिछे बिछे वो, तो मैंने दोनों बेड की बेडशीट चेंज कर दी थी और अभी मैं इसे सही करके बिछा दे रही हूँ। और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं तो उन्हें भी फोल्ड करके रखना है। एक्चुअली ये कपड़े हैं रात के, साइड में ही पड़े रह गए थे क्योंकि कल 12 बजे रात में पूजा हुई, फिर खाना वगैरह खाने में काफ़ी लेट हो गया,
तो फिर कपड़े वगैरह फोल्ड करने का या सेट करने का टाइम नहीं मिला मुझे, और फिर मॉर्निंग में तो अभी मैं उठ के फिर व्लॉग आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ। तो बस अभी मैं कपड़े वगैरह जो है अभी मैं फ्री हुई हूँ तो फोल्ड कर दे रही हूँ, और जहाँ पे जिसके कपड़े रखने थे वो मैं रख दे रही हूँ, और ये मेरे कपड़े हैं तो मैं ये अपनी कबर्ड में रख दे रही हूँ। ये मैंने रात में एक्चुअली इधर रख दिए थे, बट मैं अभी हटा दे रही हूँ। फिर क्या होगा ना कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं भूल जाऊँगी कि कहाँ रखे कहाँ रखे। रेगुलर जो साफ सफाई होती है घर की वो तो हो गई है, तो मैंने सोचा साथ में ये सूटकेस भी खाली करके रख देते हैं, और क्योंकि अगर मैंने इसको बंद करके रख दिया ना फिर ये सामान इसी में पड़ा रह जाएगा और फिर मैं नहीं करने वाली। तो अभी ये फैला हुआ रखा है तो अभी सेट कर देते हैं। जो कपड़े वगैरह वॉश करने हैं वो अलग रख दे रही हूँ, जो धुले हुए हैं वो मैं कबर्ड में रख दे रही हूँ, और भी बाकी सामान है जैसे आयना यशी अपनी बुक्स ले गई थी तो वो मैं उनके रूम में रख दे रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं जब हम लोग मायके से आते हैं तो हमें दे दी जाती हैं, तो वो सब सूटकेस में थी तो वो सब मैंने हटा दिया है खाली करके। ये दोबारा से अपनी जगह पे सूटकेस लग गया है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा इसे कहाँ रखूँ, ये इतना बड़ा है ना, कबर्ड में ही आता नहीं है, बेड के अंदर मेरे जगह नहीं है, अलमारी के ऊपर रखूँगी तो और ख़राब लगेगा, इसलिए मैंने अभी नीचे साइड में ही रख दिया है। और कपड़े वगैरह ये पड़े हुए हैं वॉश के लिए, तो इन्हें मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। वाटर कूलर रखा हुआ है तो उसे भी हटा दे रही हूँ। दोबारा से मेरा किचन में आगमन हो चुका है। ये बर्तन अभी तक फैले हुए हैं, ये है मॉर्निंग के ही, मैं अभी सेट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था मैं पहले खाना वगैरह बना लूं, बच्चों को खिला दूं, क्योंकि लेट हो जाता है तो फिर उनको क्या है कि पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है कि मतलब उन्हें फ्रूट्स कब देने हैं, मिल्क कब देना है, तो इसलिए टाइम टू टाइम जो मैंने सेट किया ना उसी हिसाब से उनको मैं रखती हूँ, वरना फिर क्या होता है ना, अगर टाइम से ऊपर नीचे हो जाता है ना तो कई बार मैं भूल भी जाती हूँ कि मैंने इन्हें दिया टाइम से कि नहीं दिया, तो इसलिए। और बाकी थोड़ा जो भी सामान वगैरह बिखरा हुआ है, ऐसे तो आपको मेरे हाल किचन के हमेशा ही दिखते हैं, डेली व्लॉग में देखते हो आप लोग कि इस एरिया में तो बहुत गंदगी करके रख देती हूँ मैं जल्दी जल्दी की वजह से, तो फिर कोई बात नहीं, अगर मैं गंदगी करती हूँ तो मुझे ही तो सब साफ़ करना है और कोई तो करता नहीं है, मैं ही कर रही हूँ, तो फिर बस कर ले रही हूँ सारे। और ये बॉटल्स वगैरह वॉश करनी है, उन्हें साइड में रख दिया है क्योंकि ये रास्ते की हैं, एक में मिल्क था एक में पानी था तो उन्हें वॉश करना है। आटा जो था वो साफ़ आटा था, मैंने प्रसाद के लिए मंगवाया था, बट अभी तो मैंने अभी कोई मेरा फास्ट वगैरह कुछ आ नहीं रहा है तो मैंने उसी में मिला दिया है। और सामान वगैरह सेट करने के बाद मैं अब गैस को क्लीन कर दे रही हूँ, किचन को क्लीन कर दे रही हूँ, बॉटल में अभी गर्म पानी से वॉश करूँगी, तो उन्हें अभी मैंने रखा हुआ है साइड में, थोड़ी देर में कर दूँगी गैस वगैरह किचन वगैरह क्लीन करने के बाद। मैंने जब ये मंदिर सजाया था तो ये मिट्टी वाले जो खिलौने वो सजाए हुए थे, क्योंकि झांकी सजाते तो रखते हैं, तो आयना ने भी अपने जो टॉयज थे प्लास्टिक वाले वो भी सारे घर ला के लगा दिए वहाँ पे, और कह रही थी कि मम्मी यहाँ पे ये कॉलोनी है, कॉलोनी में घर भी होते हैं मंदिर भी होता है, अब इतना बड़ा मंदिर है तो घर भी तो होना चाहिए, तो उसने वहाँ पे अपने टॉयज ला के रख दिए थे। तो मैंने वो सब अभी हटाए हैं और लग गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अभी झाड़ू नहीं लगी है, शाम का टाइम हो गया है, तो बस झाड़ू लगा ले रही हूँ और व्लॉग को कर दूंगी यहीं पे एंड। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।